कोरोना वायरस संक्रमण से बचें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी ही बचाव है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं और देश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करें। कोरोना वायरस होने के लक्षण: तेज बुखार, खांसी, सांस की कमी, सिर में दर्द। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय: मास्क का प्रयोग करें, खांसी होने पर मुंह ढक लें, साबुन से हाथ धोएं व नियमित रूप से सैनिटाइजर का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जानवरों से दूर रहें, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। किसी भी प्रकार के लक्षण आने व इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु नजदीकी चिकित्सालय से मदद लें। कोरोना राजस्थान हेल्पलाइन 0141-222-5624। भीखाराम चानमल भुजियावाला की ओर से जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश अरंगा और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। इसके पहले कि हम सुर्खियों की ओर चले, एक बार फिर से न्यूज अब तक के तमाम दर्शकों को न्यूज अब तक परिवार की ओर से कोरोना की महामारी को दूर भगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी है। आप अपने घरों में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। किसी भी सूरत में आप लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। और अब चलते हैं आज की खास खास सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित। लॉकडाउन सीमा को बढ़ाया 3 मई तक, 20 अप्रैल और नियर में राजीव यूथ क्लब घर घर पहुंचा रहा है राशन की सामग्री। अध्यक्ष अनिल सल्ला से भी खास बात। वार्ड नंबर 65 में राशन किट का किया गया। बीकर में लॉकडाउन की स्थिति अभी भी उतनी ही सख्त है। सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। लोग घरों से जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं, बाहर उनसे भी हो रही है गहरी पूछताछ। संभव पहले स्वविजय वरिधानी में भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को आइसोलेशन किया जा रहा है। बीकानेर की पूर्णा व्यास ने अपनी बेटियों के साथ कोरोना वायरस को लेकर की बढ़ाई की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की सलाह। संविधान निर्माता रविंद्रनाथ अम्बेडकर की 129वीं जयंती के मौके पर दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक बार फिर से सुबह 10 बजे देश के लोगों को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने अब तक कोरोना महामारी में देश की जनता के द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना के साथ में उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले दिन और हमें सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने ये निर्देश भी दिए कि आने वाली 20 अप्रैल को कुछ शिथिलता के साथ में लॉकडाउन कुछ जगहों पर शिथिल किया जा सकता है, केवल शर्तों के साथ में। उन्होंने कहा कि कस्बों में, गांवों में, राज्यों में, शहरों में हर उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर कोरोना का प्रहार हो रहा है और जहां पर कोरोना की मार कम है। अगर लोगों की अवेयरनेस रहती है और वे सावधान रहते हैं और अपनी सावधानी, सजगता और अपनी सतर्कता के साथ में कोरोना को भगा देते हैं तो वहां पर शिथिलीकरण किया जा सकता है। लेकिन अगर एक भी केस इस तरह का फिर आता है तो वही सख्ती जो है वो बढ़ाई जा सकती है। कुल मिलाकर के कोरोना महामारी के इस दौर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का हौसला भी बढ़ाया और एक तरह से देश के लोगों की सराहना की, उनके धैर्य की भी उन्होंने सराहना की। जिस तकलीफों में, जिन असुविधाओं में लोगों ने इतने दिन गुजारे हैं, उन तमाम लोगों की त्याग का, तपस्या का उन्होंने न केवल अभिवादन किया बल्कि उनका शुक्राना भी किया। कई लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीविजन स्क्रीन पर आज के संबोधन को देखा। हम आपको दिखाते हैं बीकानेर में उन घरों की कुछ झलकियां जहां पर लोगों ने सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री को बोलते हुए देखा। और सोशल डिस्टेंसिंग की अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव। लॉकडाउन के चलते बीकानेर में अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इन कामों के चलते जहां राजीव यूथ क्लब काफी बेहतर काम कर रही है। अगर हम कहें कि इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन की शुरुआत से ही राजीव यूथ क्लब लोगों के लिए सहारा बना है। राशन किट का वितरण करते हुए वह भोजन की भी व्यवस्था कर रहा है। ये व्यवस्थाएं राजीव यूथ क्लब कैसे कर रहा है और किस तरह की प्रेरणा वो अन्य संस्थाओं को दे रहा है, हमने राजीव यूथ क्लब के अध्यक्ष अनिल कल्ला से की बातचीत।
राजीव युद्ध क्लब की स्थापना हमने 15 अगस्त 1991 को राजीव गांधी की याद में उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर और उनकी याद में हम लोगों ने स्टार्ट करी थी। हम हमारी बाल्यावस्था थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष मेरे बड़े भाई साहब महेंद्र जी कल्ला थे। उसके बाद मेरे कजिन भैया कमल जी ने इसकी कमान संभाली और उसके बाद से 98 से कंटिन्यूसली मैं इसका अध्यक्ष हूँ। और जितना हम लोगों से संभव हुआ है हम लोगों ने सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रह के और समाज सेवा के काम किए हैं। राजीव गांधी के अलावा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जो लगातार ये जनता से अपील कर रहे हैं, भामाशाहों से अपील कर रहे हैं, सरकारी स्तर पर जो खुद प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में कोई भूखा ना सोए, एक उनकी प्रेरणा। और उसके बाद हमारे बीकानेर पश्चिम से विधायक जो कि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं डॉक्टर बी डी कला साहब, उनकी प्रेरणा से हम समाज सेवा के इस काम में जो है लगे हुए हैं। और हमारी ये कोशिश है कि बीकानेर की जनता को कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, हमसे जितना संभव होगा, हमसे जितना बन पड़ेगा, हम हर संभव उनकी मदद के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, इसका एक तो मुख्य कारण है कि मैं एक राजनीतिक परिवार से भी हूँ और एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ। फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक होने के कारण से गली गली वार्ड वार्ड हमारे कार्यकर्ता हैं। और उसके बाद में जैसा मैंने बताया कि 1991 से राजीव युद्ध क्लब जो है समाज सेवा में अग्रणी रहा है, तो राजीव युद्ध क्लब के भी व्यक्तिगत रूप से जो कार्यकर्ताओं की एक हमारी टीम है वो बहुत विशाल है। और ऐसे ऐसे युवाओं को हमने जोड़ा है जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए भी मतलब उनकी सोच इतनी मतलब जो है ना अच्छी है कि वो इस महामारी के लिए ये सोचते हैं कि हमें चाहे अपने आप को बेचना पड़े लेकिन हम जनता की मदद के लिए जो है ना कुछ भी करने को तैयार है। समस्या जब हमारे सामने आई तो जो हमारे से कनेक्टेड लोग हैं उन लोगों को हमने ये चीज शेयर करी और वहां पे कहीं ना कहीं हमने विराम लगाया है ताकि ये सब चीजें जो है रोकी जा सके। जैसे बीकानेर फाउंडेशन करके जो संस्था काम कर रही है उसमें मेरे भाई साहब कमल जी काम कर रहे हैं, वो सारी टीम हमारी है, वो भी बीडी कला साहब की प्रेरणा से कर रही है। तो उनसे जैसे बात होती रहती है, उन लोगों को हमने लिस्ट शेयर करी कि भाई यहाँ यहाँ हम लोग दे चुके हैं, तो वो लोग उस चीज़ को जो है वो फिल्टर कर देते हैं कि चलो यहाँ हमें नहीं देना, हमें दूसरी चीज़ को देना है। बात जो केंद्रीय सरकार बोल रही है, जो हमारी राज्य सरकार बोल रही है, कोरोना से बचाव ही एकमात्र उपाय है। और इस बात को भी हमें समझना होगा कि घर में रहने के लिए आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बीमारी मैन टू मैन फैलने वाली है। ये बीमारी जो भी संक्रमित व्यक्ति है वो या तो खांसते छींकते समय अपने मतलब बैक्टीरियाज बाहर निकाल रहा है या फिर वो संक्रमित होकर कहीं पे भी हाथ लगा रहा है, थूक रहा है, तो उससे वो चीज़ें फैल रही है। अगर आप घर में रहोगे और घर में भी सोशल डिस्टेंस रख रहे हो तो जब आप किसी के टच में आ ही नहीं रहे हो तो निश्चित रूप से मान के चलो कि आप एकदम सेफ है, आपको कहीं बैक्टीरिया आने के चांस है ही नहीं। इसलिए सरकार ये कह रही है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, इससे ज़्यादा सुरक्षा कहीं हो ही नहीं सकती। और उसके बाद में आपको कोई डर नहीं रहेगा, ना आपको मास्क की ज़रूरत है घर में रहने पर, ना आपको सैनिटाइजर की ज़रूरत है। आप अगर साबुन से भी हाथ धोते हो तो आपका काम निकल सकता है। और बस खाओ पियो ऐश करो और परिवार में रहो, अपने इष्ट को याद करो और अपने विचारों को जो है स्वच्छ करो, अपने शरीर पे ध्यान दो, योगा करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप और ज़्यादा घर में रह के स्वस्थ रह सकते हैं। मानता हूँ घर में काम करने वाले आदमी को जो है वो घर में रहना बहुत मुश्किल काम है, बोलना अलग चीज़ है लेकिन घर में टिकना अलग चीज़ है। लेकिन अगर प्रयास करें तो असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों से विनती करूंगा कि घर में 1962 में भी मालाराम के साथ पार्षद शिवशंकर बिस्सा ने भी लोगों को राशन किट का वितरण किया। हालांकि शिवशंकर बिस्सा राजीव क्लब में भी सक्रिय सदस्य है, न केवल भी सरकारी योजनाओं के साथ अपने वार्ड के लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं बल्कि ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जुड़ करके भी वे अपने वार्ड के लोगों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। हमने यहां पर बातचीत की शिवशंकर बिस्सा से। साथ में राजीव यूथ क्लब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि और राजीव यूथ क्लब के अध्यक्ष श्री अनिल जी कल्ला का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। उनके साथ उनकी टीम में जुड़ कर के मैं शुरू से इस टीम में जुड़ा हुआ हूँ राजीव यूथ क्लब की, और अनिल जी के साथ मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। उनके साथ रह कर के हम लोग जो है पूरे बीकानेर में, मेरे वार्ड में और जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी है राजीव यूथ क्लब सरकारी संस्थाओं से पहले पहुँची है। और हम लोगों ने जो है ये राजीव यूथ क्लब की तरफ से हर संभव हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की है। धन्यवाद है अनिल जी कल्ला जैसे युवा नेता का, युवा जोश का, और उनकी प्रेरणा से
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वही हमने बातचीत की माराराम से। राशन वितरण हो रहा है, नगर निगम और राज्य सरकार और पार्षद की सहयोग से राशन वितरण हो रहा है और काम कर डीएलओ साहब सरकारी जो नियुक्त है अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा तालमेल से काम हो रहा है। हर आदमी को जिसका नाम है उनको राशन मिल रहा है और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और पार्षद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। डीएलओ साहब है हमारे साथ, डीएलओ है और सुपरवाइजर साहब है, पार्षद साहब है और महेंद्र जी कला है, अनिल जी कला है और रंगटिंग वाले उनके सहयोग से नगर निगम हर गरीब को राशन बांट रही है और बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद साहब को, अनिल जी कला को, महेंद्र जी कला को। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। SDP Memorial School, co-educational English medium school. Excellent infrastructure, air-conditioned classrooms, smart classrooms, covered swimming pool. Well-equipped science lab, attractive and enhanced language and computer labs. Dance and music room, library, auditorium with a great accommodation. Systematic and holistic teaching approach, incorporation brain exercise and small group approach. Committed and dedicated faculty for excellent academic achievement. Effective student-teacher ratio 25:1. Stress-free, bias and independent learning atmosphere. Emphasis on playway methods for preschool, LKG, UKG and grade 1. Admission open for nursery to 12th. SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner. New Campus, Sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner. Mobile 99839-95831, 99833-22831, 98752-73831, 96104-47606. हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय, स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया, स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, गैस और भारीपन में लाभकारी, अस्थमा और सांस की बीमारी दूर करे अमृत मंथन, जोड़ों का दर्द और गठिया से दिलाए राहत, घटाए वजन अमृत मंथन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्ट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर की लक्ष्मीनाथ मंदिर में पशु पक्षियों को सुविधा डालने के लिए नवयुग मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर समिति के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर होमगार्ड्स पहुंचे, होमगार्ड्स ने आकर के भी यहाँ पक्षियों को सुविधा डाला। हम आपको दिखाते हैं वो नजारा कि कैसे लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में आने वाले उन बाग बगीचों में सैकड़ों की तादाद में जो पक्षी है उन्हें चुगे की और दाने की व्यवस्था करने के लिए लोग पहुंचे। लॉकडाउन के दौरान लक्ष्मीनाथ सेवा समिति द्वारा जो पशु पक्षियों के लिए ये दाना पानी दे रहे हैं बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है उनके लिए। और जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय प्रधानमंत्री जी एवं श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशान में सभी समितियों को सभी भौगोलिक क्षेत्र में मोबाइल गश्त की ड्यूटी के दौरान ये इनका जो कार्य देखा गया है बहुत ही अच्छी सराहनीय कार्य है। जो भी संस्थाओं द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है और जो भी सहयोग हुआ है उसमें पशु पक्षियों के लिए ये चुगा जला गया है। बीकानेर में लॉकडाउन की स्थिति को साफ तौर पर देखा जा सकता है। बड़े इलाकों में चौराहों पर और मोहल्लों में खासतौर से पुलिस को गश्त करते हुए देखा जा सकता है। आने जाने वाले यातायात के साधनों को रोके हुए देखा जा सकता है और बेवजह घर से निकलने वाले लोगों से गहरी और गहन पूछताछ के साथ में सख्ती भी बरती जा रही है। कुल मिलाकर के लॉकडाउन की पालना बीकानेर में पुलिस लगातार करवा रही है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बीकानेर की लॉकडाउन की स्थितियां हैं। रोटी क्लब मरुधरा ने पत्रकार साथियों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। जनसंपर्क कार्यालय में पहुंच करके आज क्लब के सदस्यों ने तमाम पत्रकारों को आमंत्रित किया, वहां पर उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया।
बीकानेर के संपत पैरिस और विजयवर के ढाणी में भी जो है वो आइसोलेशन सेंटर की तरह बना दिया गया है। कुल मिलाकर के जरूरत पड़ने पर और आने वाली परिस्थितियों में इन तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जाएगा। स्थानों को अधिकृत करते हुए खास तौर से यहां पर लोगों को रखा जाएगा। हालांकि बीकानेर में पिछले दो दिनों से काफी शांति है और राहत की खबरें आ रही है। हम आपको दिखाते हैं संपत पैरिस और विजयवर के ढाणी का नजारा। हालांकि संपत पैरिस और विजयवर के ढाणी में इस आइसोलेशन सेंटर का जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने निरीक्षण भी किया। बीकानेर में मौसम ने अचानक पलटा है। पिछले दो दिनों से तापमान तकरीबन 40 डिग्री है और आज तेज गर्म हवाओं के साथ में दिन भर लू चलती रही और थोड़े बादलों की वजह से और आंधी जैसा माहौल रहा। दिखाते हैं आपको कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत के कैमरे से बदले मौसम की कुछ झलकियां। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती के मौके पर आज न केवल उन्हें श्रद्धांजलि दी गई बल्कि उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का श्रद्धा स्मरण किया गया। दिखा दें आपको अम्बेडकर सर्किल पर कैसे भूपेंद अशोक भाटी द्वारा माल्यार्पण से श्रद्धांजलि दी गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शॉपिंग चलना है? नहीं। ये लो। वाओ, प्रेमजी अग्रवाल के रसगुल्ले। मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे शॉपिंग नहीं चलना क्या? दिल की बात वही जाने जो स्वाद असली पहचाने। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। कोरोना की महामारी में आपात स्थिति को देखते हुए सरकारों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, बहुत सारी जगहों को चिन्हित करते हुए न केवल उन्हें क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन के रूप में तब्दील किया गया है। वहीं बीकानेर के रेलवे इंजीनियरिंग सेंटर पर भी जो है वो रेलवे कोच और बोगियों को भी आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रेलवे के कोच और बोगियों को आइसोलेशन सेंटर में बनाया गया। यहाँ पर जो आइसोलेशन कोच है हमारा, हमने इसमें बहुत सारी चेंजेस किए हैं, जिससे कि पैसेंजर को एक तो सेपरेट कंपार्टमेंट किया गया है, जिससे कि एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट के लिए जान जा सके। उसके लिए मैंने मॉस्किटो पहले भी बताया जा चुका है, उसके मॉस्किटो नेट लगाया गया है, बोतल होल्डर उसके प्रोविजन, इसको एक टॉयलेट को हमने इसको बाथरूम में कन्वर्ट किया गया है, जिससे कि पैसेंजर को और उधर को डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर जो मेडिकल स्टाफ रहेगा उसके लिए सेपरेट हमने केबिन बनाया, प्रोविजन किया गया है, जिससे कि उनको इन्फेक्शन का कुछ भी उनको प्रॉब्लम ना आ सके। बीकानेर में मास्क बनाने का काम जोरों पर है। आम और खास लोग जो हैं वह कपड़े के मास्क लगातार बनाकर वितरित कर रहे हैं। ऐसे में राइट स्टेप ग्रुप के डायरेक्टर राजेंद्र स्वामी के पुत्र और पुत्री भी कहीं पीछे नहीं है। उन्होंने भी जो है वह सैकड़ों की तादाद में मास्क न केवल खुद बनाए हैं बल्कि उन्होंने इसका वितरण भी किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं जतिन और बबली के द्वारा बनाए गए इन मास्कों के वितरण की कुछ संख्या।
बीकानेर की उमा व्यास अपनी दो बेटियों के साथ में दोनों के साथ में वायरस कोरोना पर जो है वह एक गीत उन्होंने तैयार किया और ये धुन इतनी लोकप्रिय है कि वह सीधी जुबान पर चलती है। गौरतलब की उमा व्यास जो है वह कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बी डी कल्ला की रिश्ते में भतीजी भी लगती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धुन को सुना और उसे सराहा भी। दिखाते हैं आपको कि किस तरह की ये धुन है। रुके सबके कदम देखो रम पम पम अभी घर में रहा करो अभी पीएम अभी सीएम तारा रम पम पम और डीएम का कहा करो। रुके सबके कदम देखो रम पम पम अभी घर में रहा करो अभी पीएम अभी सीएम तारा रम पम पम और डीएम का कहा करो। ला 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 ये ला 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 बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारे सो याद रखना सैनिटाइजर नहीं है फिकर नहीं कोई डर कोरोना की राह को रोक लेंगे हम तुम बार बार हाथ धोएगा तुम सैनिटाइज किया करो। लॉकडाउन को मनाए तारा रम पम पम सोशल डिस्टेंस फॉलो करो। ला 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 ये ला 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 रोग नया है ढंग नया है जीने का भी देखो यहाँ रंग नया है किसी के भी डर जाया न कर हैंडशेक की तरह नमस्ते तू कर हम तुम बोले डॉक्टर नर्स पुलिस प्रशासन का संबल बने घर में ही रह कर तारा रम पम पम लॉकडाउन को सफल करो। रुके सबके कदम देखो रम पम पम अभी घर में रहा करो अभी पीएम अभी सीएम तारा रम पम पम और डीएम का कहा करो। और चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खास खबर। राशन किट का किया गया बिगड़ में लॉकडाउन की स्थिति अभी भी उतनी ही सख्त है। सड़कों पर पसरा है सन्नाटा लोग घरों से जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं बाहर उनसे भी हो रही है गहरी पूछताछ। संभव पहले स्वविजय वरिधानी में भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को आइसोलेशन किया जा रहा है। बीकानेर की उमा व्यास ने अपनी बेटियों के साथ में कोरोना वायरस को लेकर की बराए की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की सराहना। संविधान निर्माता रविंद्रनाथ अम्बेडकर की 129वीं जयंती के मौके पर दी श्रद्धांजलि। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।